एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम अपने बात करेंगे जो त्रिनिदाद टी10 ब्लास्ट का आज के दिन का दूसरा मैच होगा, जो खेला जाएगा ब्लू डेविल्स वर्सेस स्कारलेट लबीज स्कॉचर्स के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको इन डेप्थ एनालिसिस करके दूंगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो जो है ना आपको पूरा समझना है, एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा। और सबसे ज़रूरी काम, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अब अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को जो नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर आपको फाइनल टीम प्लेइंग 11 और जो भी न्यू प्लेयर्स खेलेंगे उनके स्टैट्स मिलते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना बहुत ज़रूरी है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा कमेंट सेक्शन में आप चले जाओ, जहाँ पर आप कमेंट करते हो तो वहाँ पर जो सबसे पहला कमेंट मिलेगा उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अभी के लिए बात कर लेते हैं यहाँ पर मुकाबले के बारे में। मुकाबला 12 बजे स्टार्ट होगा, सेम ग्राउंड पर मैच है। अभी तक बैटिंग फ्रेंडली विकेट रहा है, 4 में से 3 मैच में चेज हुआ है, मतलब चेज करने वाली टीम को एडवांटेज है। देखो पहले बात करेंगे SLS की टीम की, और इनकी टीम ने कल क्या बैटिंग की थी भाई। सामने वाली टीम को इनको दिया था 130 प्लस टारगेट दिया था और इजीली इन्होंने चेस कर लिया था। कमिल पूरन और जोशुआ डासिल्वा दोनों ने बहुत खतरनाक बैटिंग की थी। कमिल पूरन ने 39 रन की पारी खेली थी। अगर आप इसका T10 का रिकॉर्ड देखोगे उतना खास नहीं है, 14 मैच में 141, लेकिन अभी जो 2023 के अंदर एक क्लब T20 खेल के आ रहा है ना, वहाँ पर 6 मैच में 236 रन 59 का एवरेज, 1 विकेट है, बहुत तगड़ी फॉर्म से आ रहा है। जोशुआ डासिल्वा भाई CPL खेल चुका है, वेस्ट इंडीज़ के लिए टेस्ट मैच भी खेल चुका है, 63 रन की पारी थी और छक्के ही छक्के लगाए थे इसने, 12 बॉल पे 50 बना दिए थे इस बंदे ने, बहुत तगड़ा प्लेयर है। टाइन वेबस्टर पहले मैच में जरूर फ्लॉप हुआ लेकिन हर मैच में नहीं होगा, ध्यान रखना। 0 रन 0 विकेट था, 2 ओवर डाल के कैप्टनसी का भी एक अच्छा चॉइस बन सकता है। क्लब T20 2023 के अंदर 7 मैच में 234, 8 विकेट है, 21 ओवर डाल के। विकेश हैरी लोचन है, इसने 22 नॉट आउट की पारी खेली थी लेकिन इसके बैटिंग आने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं क्योंकि नीचे खेलता है। जोशुआ रमडू ने 10 नॉट आउट किया था, T10 में 2 मैच में 37 रन है, बोलिंग करवाता नहीं है, मेन काम बैटिंग है। खेरी पेरी टीम के कप्तान है, पहले मैच में विकेट लेस रहे थे लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर है, 17 मैच में 9 विकेट है, टीम में बिल्कुल रख सकते हो, फॉर्म भी बढ़िया है, 2 विकेट 33, 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। ब्रायन चार्ल्स ने 1 ओवर डाला उसमें 29 रन दिए थे, तो भाई मेरे को लगता नहीं इसको ज़्यादा बॉलिंग देगी टीम। यहाँ पर 3 T10 में 3 विकेट है, 5 ओवर डाल के। डेक्स्टर स्विन विकेट लेस रहे थे लेकिन 2 ओवर अपने कंप्लीट किए थे, और अभी हाल ही में जो क्लब T20 खेल के आ रहा है वहाँ पर 6 मैच में 136 रन और 8 विकेट इसके नाम थे, 15 ओवर डाल के। फिल्टन विलियम्स विकेट लेस रहा लेकिन बॉलिंग अच्छी करवाई थी, 8 T10 में 4 विकेट है, 8 ओवर डाल के। कायल रूपचंद, इसको बैटिंग बॉलिंग कुछ भी नहीं मिली थी, डोमेस्टिक T20 के 3 मैच में 64 रन 2 विकेट ज़रूर है लेकिन अभी बॉलिंग नहीं मिली थी। जॉर्डन समकरण ये लेग स्पिन बॉलर है, विकेट लेस रहा था। अब देखो लेग स्पिनर का यही होता है, या तो गुच्छे में रन देते हैं या फिर गुच्छे में विकेट्स। यहाँ पर अभी के लिए मैं रखूँगा कमिल पुरन, जोशुआ डासिल्वा, टाइन वेबस्टर, नीचे से खैरी पैरी और डेक्स्टर स्विन को बिल्कुल रखूँगा, और फिल्टन विलियम्स को। इसके अलावा आप चाहो तो ब्रायन चार्ल्स या फिर जोर्डन समाकरण में से किसी एक को रख सकते हो। बाकी बेंच पर जो भी प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी खेले उसके स्टैट्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे यहाँ पर डेक्स्टर स्विन, बी चार्ल्स, खैरी पैरी डेथ में आएंगे, कैरी पेरी यहाँ पर देखो कैरी पेरी डेथ में भी आ रहा है, टाइन वेबस्टर, डेक्स्टर स्विन। सामने जो टीम है BLD की टीम, ये भी पहला मुकाबला जीती थी, ओपन किया था, टेस्वान कास्ट्रो और डेनियल विलियम्स दोनों ठीक ठाक प्लेयर हैं। टेस्वान कास्ट्रो की बात करूँ 20 रन किए थे, बॉलिंग भी ये करवा सकता है, ध्यान रखना, 10 T10 में 182, 0 विकेट है, 2 ओवर डाल के। डेनियल विलियम्स ने 21 रन किए थे, इसने भी अच्छी बैटिंग की थी, 10 मैच में 147 है T10 में, और रीसेंट फॉर्म 41-3-13-44-0 है। एंड्रियान अली ने 29 रन किए थे, 10 T10 में 81 रन है, रीसेंट फॉर्म 4-7-39-70-53 है, रीसेंट फॉर्म बढ़िया है इसका। इवार्ट निकल्सन 21 नॉट आउट किया था, नंबर 4 पर बैटिंग करने आया था, कंट्रीब्यूशन करता है बस बैटिंग थोड़ी सी नीचे करता है। ब्रेंडन रामदियाल 0 रन पर आउट हुए, 9 T10 में 102 रन है। रयाद इमरित 1 विकेट मिला था, टीम के कप्तान है, इंपॉर्टेंट रहेंगे, 34 T10 में 33 विकेट है। सेनन गैब्रियल देखो टेस्ट मैचेस ज़्यादातर खेलता है, विकेट लेस रहा था, वैसे तो इंटरनेशनल बॉलर है लेकिन कुछ खास किया नहीं था। राकेश सीचरण 1 विकेट इसको मिला था, 6 D20 में 6 विकेट है। यहाँ से स्टेवन सोलोमन को 2 विकेट मिले थे और T20 में 2 मैच में 3 विकेट है, और फॉर्म भी इसका बढ़िया है, 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट। यहाँ से सैमुअल रूप नारायण को 1 विकेट मिला था, ऑफ स्पिनर है, 2 मैच में 3 विकेट है। और यहाँ पर क्रिस्टोफर रामशरण स्लो लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर है लेकिन बॉलिंग इसको नहीं मिली थी, ध्यान रखना, ग्रैंडली का पिक रहेगा। यहाँ से अभी के लिए मैं पिक करूँगा टेस्वान कास्ट्रो, डेनियल विलियम्स, एंड्रियान अली, इनके अलावा रयाद अमृत, और नीचे से यहाँ पर
स्टेफन सोलोमन, ज़्यादा बॉलर नहीं रखूँगा क्योंकि सामने वाली टीम में भी तगड़ी बैटिंग है। बेंच पर जो भी प्लेयर्स इनमें से कोई भी खेले उसके स्टैट्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे रियाद इमरित, एस गैब्रियल, एस सोलोमन। डेथ में आए थे रियाद इमरित, एस सोलोमन, एस गैब्रियल। एनालिसिस वाला पार्ट हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चलते हैं डेमो टीम की तरफ। देखो भाइयों, डेमो टीम दिखाऊं उससे पहले टेलीग्राम चैनल को आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि मैं अभी जो आपको टीम दिखाने वाला हूं वो सिर्फ डेमो टीम है। फाइनल टीम जो जिसके साथ मैं खुद खेलता हूं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल जो को ज्वाइन करने के लिए आपको टाइटल में जाना है वीडियो के, वहां पर मोर दिखेगा, इस पर क्लिक करके आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओगे। या फिर सबसे बेस्ट तरीका है आपको कमेंट सेक्शन में, कमेंट में जाना है और जो सबसे पहला कमेंट आएगा ऊपर ही ऊपर पिन किया हुआ उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब देख लेते हैं यहाँ पर डेमो टीम। डेमो टीम में मैंने फिलहाल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो रखा है विकेट कीपिंग सेक्शन से जे डा सिल्वा, डेनियल विलियम्स, और बैटिंग सेक्शन से टाइन वेबस्टर, कमिल पूरन, अद्रियान अली, और ऑलराउंडर सेक्शन से टेस्वन कास्ट्रो, बॉलिंग सेक्शन से रियाद इमरित, डेक्सटर स्विन, खेरी पेरी, फिल्टन विलियम्स और एस सोलोमन। कैप्टन मेरे यहाँ पर टाइन वेबस्टर, वॉइस कैप्टन जोसुआ डा सिल्वा। लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।